हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट डिकोडर। आप सभी का कॉन्सेप्ट डिकोडर चैनल पे स्वागत है। हम पढ़ रहे इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी और इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी के अंदर जो चैप्टर हम पढ़ रहे थे इट इज एब्स्ट्रैक्शन फ्रॉम प्रेसिपिटेशन। एब्स्ट्रैक्शन फ्रॉम प्रेसिपिटेशन के अंदर जो टॉपिक हम कवर कर रहे थे इट इज इवापोरेशन। पहला तरह का लॉस जो होता है मेजर इट इज इवापोरेशन। अभी तक हमने इवापोरेशन से बहुत सारी चीजें देखी है, उसके कंसेप्ट को लर्न किया है। फैक्टर्स अफेक्टिंग इवापोरेशन फ्रॉम वाटर सरफेस हमने देखा है ना, बहुत सारे फैक्टर, हमने 7 फैक्टर बताए थे इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में। अब इस वाले वीडियो लेक्चर में हम कवर करेंगे हम कैसे इवापोरेशन को मेजर करें। अब मेजरमेंट भी तो करना है, मेजरमेंट ऑफ इवापोरेशन। तो देखिए मेजरमेंट ऑफ इवापोरेशन, इसको इवापोरेशन को मेजर करने का हमारे पास बेसिकली 3 तरीके होते हैं। एक होता है पैन मेजरमेंट मेथड, दूसरा यूजिंग इंपेरिकल फॉर्मूला। इंपेरिकल फॉर्मूला में 2 फॉर्मूला आती है, मेयर्स फॉर्मूला, रोअर्स फॉर्मूला, दोनों फॉर्मूला डिस्कस करेंगे। तीसरा मेथड है एनालिटिकल मेथड। एनालिटिकल मेथड में वाटर बजट इक्वेशन, एनर्जी बैलेंस मेथड, मास ट्रांसफर मेथड, ये सारे मेथड हैं। इनके नाम आपको याद रखनी है। अब ये जो पैन मेजरमेंट मेथड है इसी को हम इवापोरीमीटर कहते हैं। पोरीमीटर ये एक तरह का इस डिवाइस का नाम है इवापोरीमीटर। अब जो पैन है, पैन मतलब एक कटोरा जैसा होता है, ठीक है, इससे मतलब जैसा एक लेक है, लेक को हम एक कटोरे से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। और लेक से कितना इवापोरेशन हो रहा है और उस कटोरे से कितना इवापोरेशन हो रहा है, बेसिकली हम उस कटोरे से कितना इवापोरेशन हो रहा है हम उस चीज को मेजर करते हैं। और एक कोफिशियंट के माध्यम से हम पैन इवापोरेशन को लेक इवापोरेशन में कन्वर्ट कर देते हैं, है ना। तो यही चीज है, सिंपल सी बात है। और अब इसमें जो पैन है ये डिफरेंट टाइप्स के पैन होते हैं, जैसे कि क्लास ए इवापोरेशन पैन हो गया, इंडियन स्टैंडर्ड इवापोरेशन पैन हो गया, है ना, कोलोराडो सनकन पैन, यूएस जियोलॉजिकल सर्वे पैन, ये बेसिकली 4 तरह के हमारे पास पैन होते हैं। हम इन चारों तरह के पैन के बारे में पढ़ेंगे और कौन सा पैन किस केस में सुटेबल है और कौन सा पैन का पैन कोफिशिएंट कितना है, इन सब चीजों को हम स्टडी करेंगे डिटेल में। फिर इंपेरिकल मेथड को हम देखेंगे, मेयर्स फॉर्मूला, रोवर्स फॉर्मूला को देखेंगे और एनालिटिकल मेथड को भी देखेंगे। लेकिन आगे पढ़ाने से पहले मैं आप सभी को बता दूं इसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ओके, जिससे कन्वेंशनल क्वेश्चन अधिक आता है, इट इज इवापोरीमीटर, ओके, या फिर पैन मेजरमेंट मेथड से एंड इंपेरिकल इक्वेशन को यूज करके। और गेट वगैरह में तो कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, वाटर बजट इक्वेशन को यूज करके इवापोरेशन निकालने के लिए कंडीशन बना के क्वेश्चन बना सकता है। एनर्जी बैलेंस मेथड काफी कम होती है और मास ट्रांसफर मेथड ये भी ना के बराबर पूछा जाता है। इसमें से अगर एनालिटिकल मेथड में से अगर क्वेश्चन आता भी है तो वाटर बजट इक्वेशन को यूज करके क्वेश्चन आती है, क्लियर है। तो चलिए हम इन सब मेथड को स्टडी करते हैं डिटेल में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। यहाँ आपको सिविल इंजीनियरिंग मिलती है जो कि भरपूर मिलती है, ओके। यू कैन एनरोल इन टू अवर पेड कोर्सेस, हाइड्रोलॉजी भी पेड सब्जेक्ट है, सो अगर आपको एनरोल करना हो यू कैन कॉन्टेक्ट मी एट 7008420353। ये हमारी व्हाट्सएप नंबर है कॉन्सेप्ट डिकोडर के एमक्यूज पर, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारे ग्रुप पे ऐड हो जाइए व्हाट्सएप ग्रुप पे, जहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स डाउट डिस्कशन करते रहते हैं और हम भी रेगुलर क्वेश्चन अपडेट करते रहते हैं, जहाँ पे आपका एक बेस्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन चलते रहती है, ओके। आप हमारा प्ले स्टोर से एंड्रॉयड ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट डिकोडर के नाम से आपको एंड्रॉयड ऐप मिल जाएगा, डाउनलोड इट एंड यूज इट। वेल, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग बनाइए पैन मेजरमेंट मेथड। अब ये जो पैन है ये बहुत तरह के होते हैं, तो उनके पहले नाम लिख लीजिए कौन कौन से पैन होते हैं। क्लास ए इवापोरेशन पैन, इंडियन स्टैंडर्ड ISI पैन, कोलोराडो सनकन पैन, यूएस जियोलॉजिकल सर्वे पैन, ये नाम लिख लीजिए। अब सुनिए ये पैन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ये क्या है। इवापोरेशन तो आप समझ रहे हो कि कोई एक वाटर बॉडी है, लेट्स सपोज ये एक वाटर बॉडी है तो इसके सरफेस से इवापोरेशन होगा, जैसे कि ये कोई लेक है तो इसके सरफेस से इवापोरेशन हो रहा है ना, तो इसको हमको मेजरमेंट करनी है। तो ये हम मेजरमेंट कैसे करेंगे, तो इसके लिए ये पैन वाला कॉन्सेप्ट को यूज किया। पैन मतलब जनरली हिंदी में बोला जाता है उसको एक कटोरा या फिर पतला पतीला, है ना, इसको पैन बोला जाता है। तो हमने पैन डेवलप किया, एक कटोरा लिया, ओके, एक कटोरा लिया। अब इसमें हमने पानी भर दिया है,
ओके, हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि इस लेक के अगल बगल जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन है, मतलब हम जनरली मान इस लेक से इवेपोरेशन निकाल रहे हैं, तो इस लेक के अगल बगल ही कहीं पर हम एक पैन हम इंस्टॉल कर देंगे। इसको इवेपोरीमीटर भी कहा जाता है। ये जो पैन है इसको इवेपोरीमीटर कहा जाता है। ये एक तरह का डिवाइस है जिसको यूज करके हम इवेपोरेशन को मेजर करते हैं। तो इस लेक के अगल बगल इस पैन को या फिर एक कोई इवेपोरीमीटर जो भी आप यूज कर रहे हैं उसको इंस्टॉल कर देते हैं। फिर अब इसमें पानी भर दिया, अब यहां से इवेपोरेशन होगी, है ना। तो भले इतना बड़ा लेक जो है इससे हम इवेपोरेशन कितना हो रहा है उसको मेजर नहीं कर पाएंगे, लेकिन इस जो ये जो पतीला है, ये जो पैन है, इससे कितना इवेपोरेशन हो रहा है ये तो हम मेजर कर लेंगे। क्यों? आपने एक सर्टेन डेप्थ ऑफ वाटर इसमें भर दिया था, अब इवेपोरेशन होगा तो ऑब्वियसली जो डेप्थ ऑफ वाटर है वो फॉल होगी, रिड्यूस होगी। तो इसको यूज करके आप ये इसका आइडिया लगा सकते हो कि कितना इवेपोरेशन हुआ है, है ना। अब इसको आइडिया लगाने के लिए यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आती है पैन कोफिशियंट की। हर एक पैन का एक एक कोफिशियंट होता है। इस पैन कोफिशियंट के कॉन्सेप्ट को यूज करके हम इस लेक इवेपोरेशन, मतलब इवेपोरेशन फ्रॉम जो लेक हो रहा है इसको लेक इवेपोरेशन कहेंगे, एलई, और इवेपोरेशन फ्रॉम जो पैन हुआ आपने जो कैलकुलेट किया इसको हम कहेंगे पैन इवेपोरेशन, पीई। नाउ बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ पैन कोफिशियंट, और पैन कोफिशियंट क्या होता है, इट इज नथिंग बट बच्चों इट इज रेशियो ऑफ, पैन कोफिशियंट इज इक्वल टू रेशियो ऑफ लेक इवेपोरेशन बाय पैन इवेपोरेशन, है ना। और हर एक पैन का अपना अपना कोफिशियंट होता है, इसके बारे में भी बता देंगे कि किसका कितना कोफिशियंट होता है। तो इस कोफिशियंट को यूज करके हम लेक में कितना इवेपोरेशन हुआ है निकाल लेते हैं। दिस इज द सिंपल कंसेप्ट ऑफ पैन मेजरमेंट मेथड या फिर इवेपोरीमीटर मेथड। अब इसमें से हमको पढ़ना क्या है, बेसिकली हम इतना इतने सारे चीजें जो मैंने चार नाम बताए इसमें से क्या पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा हमको पढ़ना है कि ये पैन किस तरह के होते हैं, है ना, कौन सा पैन कितना कैसा होता है और किस चीज से बनाई जाती है कौन सा पैन, फिर कौन सा पैन को किस तरह से इंस्टॉल किया जाता है, कौन सा पैन का क्या एडवांटेज है, है ना, कौन सा पैन का पैन कोफिशिएंट कितना है, मतलब ओके, इन सब चीजों को हमको स्टडी करना है। और इसी सेक्शन में से इसमें से क्वेश्चन आते हैं। फिर और एक टॉपिक इसमें से पढ़ना है कि किसी एक पर्टिकुलर एरिया में इवेपोरीमीटर का डेंसिटी कितना होना चाहिए, मतलब जैसे हमने रेन गॉज का डेंसिटी बताया था, है ना, कि इतने पर्टिकुलर क्षेत्रफल में इतना नंबर ऑफ रेन गॉज इंस्टॉल करना आपको जरूरत है, अनिवार्य है। उसी तरह से उसी तरह से एक पर्टिकुलर एरिया में, है ना, हाउ मेनी नंबर ऑफ इवेपोरीमीटर यू हैव टू इंस्टॉल, कितना आपको इंस्टॉल करना है, इस चीज को पढ़ना है। तो विद दिस वी विल कंप्लीट द फर्स्ट टॉपिक ऑफ पैन मेजरमेंट मेथड। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखिए, हेडिंग बनाइए, क्लास ए इवेपोरेशन पैन। तो क्लास ए इवेपोरेशन पैन, ये जो पैन है इसको यूएस वेदर ब्यूरो ने डेवलप किया था। ये एक तरह का लैंड पैन है। लैंड पैन कहने का मतलब है इस इवेपोरीमीटर को हम, ये मान लो ग्राउंड लेवल है, तो जमीन के ऊपर रखते हैं। और ये जो पैन, इसके अगर मैं डायमेंशन वगैरह बताऊं, इसका ड्राइंग एग्जाम में आ सकता है, है ना, कन्वेंशनल शॉर्ट नोट्स में। तो एक तरह का ये पतीला होता है, जस्ट ए मिनट, इसका ड्राइंग बना देता हूं। इस तरह का एक पैन होता है, ओके, और ये जो बनी होती है, ये बनी होती है गल्वनाइज्ड स्टील से, है ना, और मोनल मेटल को यूज करके इसको बनाया जाता है। मोनल मेटल जो है ये क्या है, ये एक एलॉय होता है, एलॉय ऑफ निकल एंड कॉपर। इसका उपयोग वहां पे किया जाता है जहां पे जंग लगने की समस्याएं, चांसेस ज्यादा हो, तो वहां पर उस सेक्शन में मोनल मेटल को यूज किया जाता है, ओके। सो ये लिखवा दूंगा, पहले इसका ड्रॉइंग बनाइए। इस तरह का एक पेन होता है और जो इसका टॉप सरफेस है, है ना, ये पेन का टॉप सरफेस है। अब जो वाटर इसमें हम डालेंगे तो ये इसके टॉप सरफेस से कम 5 सेंटीमीटर नीचे होना चाहिए। हम इस तरह से इसमें पानी डालते हैं, ओके, पैन के टॉप से 5 सेंटीमीटर नीचे आपका वाटर सरफेस रहेगा। इस पैन को ग्राउंड के ऊपर हम कैसे रखते हैं, हम वुडन ब्लॉक्स को पहले रखते हैं, ठीक है, और हॉरिजॉन्टल सरफेस एक बनाते हैं, फिर उसके ऊपर हम इस पैन को प्लेस कर देते हैं।
तो ये जो वुडन ब्लॉक्स आप रखते हो या फिर एक पूरा पट्टा लकड़ी का रखिए, ये कम से कम 15 cm की होनी चाहिए, 15 सेंटीमीटर। इस पैन का जो टोटल हाइट है, ओके, इस पैन का जो टोटल हाइट होता है, मतलब जिस सेक्शन में आप पानी को इसमें रखते हो, प्लेस करते हो, ये होती है लगभग 255 mm की, मतलब जिस डेप्थ में हम वाटर इसमें रखते हैं, दिस डेप्थ इज योर 255 mm। ओके, ये इसकी स्टैंडर्ड डेप्थ। नाउ इसका जो डाया होता है इस पैन का, इट इज 1210 mm। ओके, ये एक तरह का सर्कुलर पैन होता है, और इसका ये डायामीटर जो होगा इट इज 1210 mm। तो ये पतीला है, ये एक इवापोरेटर है जिसका नाम है क्लास ए इवापोरेशन पैन, ओके, या फिर लैंड इवापोरेशन पैन, यूएस लैंड इवापोरेशन पैन के नाम से भी इसको जाना जाता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखिए इसमें, ये किस चीज से बनी है, लिखिए लिखिए, इट इज स्टैंडर्ड पैन हैविंग डायामीटर ऑफ, इट इज ए पैन हैविंग डाया ऑफ 1210 mm। एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है, एंड डेप्थ इक्वल टू, एंड डेप्थ ऑफ 255 mm, याद रखिएगा। नेक्स्ट लिखिए, दिस पैन इज मेड ऑफ, इज मेड अप ऑफ, मेड अप ऑफ अनपेंटेड गल्वनाइज्ड स्टील, अनपेंटेड गल्वनाइज्ड आयरन सीट, आयरन सीट, एंड मोनल मेटल, एक नोट बना के लिखिए मोनल मेटल के बारे में, मोनल मेटल, मोनल मेटल क्या है, इट इज एलॉय ऑफ निकल एंड कॉपर, निकल एंड कॉपर, ठीक है। इसको, ये जो मोनल मेटल है, इसका उपयोग इसमें जनरली इसलिए किया जाता है क्योंकि इसके मोनल मेटल में जल्दी जंग नहीं लगता है ना, तो ऐसा पतीला का ऐसा लोकेशन जहां पे जंग लगने का ज्यादा चांसेस है, वहां पे हम मोनल मेटल का इस्तेमाल करते हैं। ओके, सो लिख लीजिए, वेयर कोरिजन इज प्रिवेलिंग प्रॉब्लम, वेयर कोरिजन इज प्रिवेलिंग प्रॉब्लम, एटमोस्फेरिक कंडीशंस के कारण भी कोरिजन एक प्रॉब्लम बन जाता है ना, तो ऐसे लोकेशन पे अगर हमको यूएस वेदर ब्यूरो के थ्रू जो पैन मिला है इसको इंस्टॉल करना है, तो उसको मोनल मेटल को यूज करके हम बनाएंगे। वेयर कोरिजन इज प्रिवेलिंग प्रॉब्लम, मोनल मेटल इज यूज्ड, मोनल मेटल इज यूज्ड, क्लियर है। तो ये था आपका क्लास ए इवापोरेशन पैन या फिर यूएस लैंड पैन है ना, इसको इस नाम से भी कभी कभी जाना जाता है। अब इसका पैन कोफिशियंट कितना होगा, तो जब मैं ये चार तरह का पैन आपको बताया हूँ, जो नाम लिखवाया था, ये चार तरह का पैन पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ, जो बेसिक इसका थ्योरेटिकल पार्ट जो डिटेल आपको जाननी है उसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, फिर उसके बाद मैं इसका बताऊंगा पैन कोफिशियंट, एक टेबल बनाऊंगा और सभी का पैन कोफिशियंट का रेंज बताऊंगा और उसका एवरेज वैल्यू बताऊंगा, कितना हम कंसिडर करते हैं एग्जामिनेशन में क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, है ना। तो सबसे पहले इसका कुछ कुछ थ्योरेटिकल पार्ट्स होगा, उसको हम स्टडी कर रहे हैं। सेकेंड हेडिंग बनाइए, आई एस आई इवापोरेशन पैन इंडियन स्टैंडर्ड।
तो अभी अभी मैंने आपको बताया क्लास ए इवेपोरेशन पैन, अब हम पढ़ेंगे आईएसआई इवेपोरेशन पैन। तो देखिए आईएसआई इवेपोरेशन पैन जो है ये क्लास ए इवेपोरेशन पैन का बड़ा भाई है, ऐसा मान सकते हैं। मतलब इट इज नथिंग बट इट इज जस्ट ए मॉडिफाइड वर्जन ऑफ क्लास ए इवेपोरेशन पैन, है ना। इसका जो डायमीटर होता है इट इज 1220 mm एंड डेप्थ इज 255 mm। हाँ, जो मटेरियल यूज किया जाता है इसको बनाने के लिए वो अलग होती है एज कम्पेयर टू क्लास ए इवेपोरेशन पैन। इसको बनाया जाता है बाय यूजिंग कॉपर सीट, और इसको जो इसकी इस कॉपर सीट की जो थिकनेस होती है वो होती है लगभग 0.9 mm, 1 mm से भी कम का, समझ में आ रहा है, 1 mm से थोड़ा कम थिकनेस का कॉपर सीट को यूज करके इस पैन को बनाया जाता है। और उस कॉपर सीट को बाहरी तरफ से व्हाइट कलर से पेंट कर दिया जाता है, है ना। नाउ एक चीज आपने देखा होगा, इससे पहला वाला जो पैन मैंने बताया उसमें मैंने यही बस इतना ही बताया था कि वो एक कटोरा है, ठीक है, जमीन के 15 सेंटीमीटर ऊपर एक वुडन ब्लॉक कोई के मदद से हमने इसको प्लेस कर दिया था। ये वुडन ब्लॉक के ऊपर हमने रख दिया, वुडन ब्लॉक का डायमेंशन है लगभग 15 सेंटीमीटर, है ना, इसके ऊपर हमने इसको रख दिया था, इस पैन को। बस अब इसमें हम वाटर भर देंगे और फिर इससे इवेपोरेशन हम देखेंगे कितना इवेपोरेशन हुआ। तो देखो ये जो पैन है ये अभी नेकेड है, आप इसको नेकेड कह सकते हो, नंगा है। नेकेड कहने का मतलब ये है कि मान लो कोई चिड़िया है, उसको प्यास लगा और वो देख रहा है कि उसके नीचे एक सामने कटोरी रखा हुआ है, तो ये चिड़िया इसके ऊपर आएगी, बैठेगी, चोंच लगाएगी और पानी पी जाएगी। अगर कोई कुत्ता है, बिल्ली है, किसी को बहुत सारे जानवर है यार जंगल में, पानी प्यास आया लगा वो आए पानी पी गए, तो पानी पी गए तो डेप्थ आपको कम हो जाएगा, है ना, इतना पी के खत्म कर दिया। अब आपको लगेगा कि इवेपोरेशन इतना हो गया, लेकिन एक्चुअली ऐसा कुछ था नहीं, वहां पे कुछ नेचुरल फैक्टर्स आ गई थी जिसके कारण से आपका वो वाटर लेवल इसमें रिड्यूस हो गया। लेकिन आप तो यही सोचोगे कि वो इवेपोरेट कर गया। तो इन सब चीजों से बचाने के लिए जो इंडियन स्टैंडर्ड, भारत, हम लोग इंडियंस हैं, थोड़ा और ज्यादा दिमाग लगा लिए, ये दिमाग भी लगा लिए कि ऐसा भी हो सकता है, अपना तो कुत्ता बिल्ली बहुत घूमते रहता है चिड़िया वगैरह अपने जंगल में, तो ये चीज भी हो सकता है, सोच के अपने इंजीनियर्स ने दिमाग लगा लिया। और उन्होंने क्या किया कि एक वायर का नेट, है ना, हेक्सागोनल वायर नेटिंग, ओके, कोई यूज करके, मतलब इस तरह से नेट जाली बना होगी हेक्सागोन, 1 2 3 4 5 6 ऐसा, सॉरी, हाँ, इस तरह का एक जाली कोई यूज करके इन्होंने इस जाली को इसके ऊपर प्लेस कर दिया ताकि कोई चिड़िया या फिर कुत्ता बिल्ली चोंच मार के पानी ना निकाल पाए या फिर पानी ना पी पाए उससे, और जो इवेपोरेशन है वो एक्चुअल डेटा रिप्रेजेंट करे, है ना। इसलिए एक वायर का नेट जाली बिछा दिया जाता है इसके ऊपर। ये जो वायर नेटिंग है इसका और एक फायदा है कि ये जो टेम्परेचर है ना, टेम्परेचर ऑफ दिस वाटर सर्फेस, इसको यूनिफॉर्म टेम्परेचर पे मेंटेन करके रखता है, चाहे वो दिन हो या रात हो, एक यूनिफॉर्म टेम्परेचर मेंटेन करके रखने में भी ये मदद करती है, समझ में आया, जिस कारण से आपको और ज्यादा एक्यूरेट इवेपोरेशन मिल पाता है। और ये चीज भी देखा गया है कि एज कम्पेयर टू क्लास ए इवेपोरेशन पैन, जो आपका इससे पहले मैंने बताया जो अमेरिका ने बनाया था, यूएस वेदर ब्यूरो डिपार्टमेंट ने जो बनाया था, उसके कंपेरिजन में इंडियन स्टैंडर्ड पैन से अगर हम इवेपोरेशन देखते हैं तो इंडियन स्टैंडर्ड पैन में लगभग 14% कम इवेपोरेशन आता है एज कम्पेयर टू क्लास ए इवेपोरेशन पैन। मतलब ये कहीं ना कहीं और ज्यादा रियलिस्टिक डेटा, और ज्यादा एक्यूरेट डेटा आपको दे रहा है, गलत सलत डेटा नहीं बता रहा है, समझ में आया, लिख लीजिए। तो लिखिए, दिस पैन इज मेड अप ऑफ कॉपर सीट हैविंग थिकनेस इक्वल टू 0.9 mm। नेक्स्ट पॉइंट, टॉप ऑफ द पैन इज फुल्ली कवर्ड विथ हेक्सागोनल वायर नेटिंग, कॉमा, in order to protect water from any disturbance and to ensure that uniform temperature is maintained during day and night time. Important है, objective में ये आपसे पूछा जाएगा, तो underline करिए, uniform temperature is maintained during day and night time, इसलिए हम hexagonal wire netting का उपयोग यहाँ पे करते हैं और disturbances से बचाने के लिए। ये कॉपर से बनी होती है जिसकी थिकनेस 0.9 mm होती है, ये चीज भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाएगा।
इसके नेक्स्ट पॉइंट ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिखिए इट इज ऑब्जर्व्ड दैट ये देखा गया है अंडर आइडेंटिकल वेदर कंडीशन, सेम वेदर कंडीशन है, सब सब कुछ सेम है, एक ही लोकेशन पे आपने ISI पेन और क्लास ए ऑपरेशन पेन दोनों को इंस्टॉल किया हुआ है, तो ये आपको पता चलेगा कि ISI स्टैंडर्ड पेन जो है अभी जो बता रहा हूँ इसमें जो इवापरेशन आप इसका डेटा निकालोगे और जो क्लास ए ऑपरेशन का डेटा निकलेगा उसके कंपेरिजन में इसका 14% लेस होता है ना, मतलब ये ज्यादा रियलिस्टिक डेटा आपको देता है, ज्यादा गलत सलत ये नहीं बताता है। और एक बात ध्यान रखिए, अभी तक जो दो पेन मैंने बताया ये दोनों पेन ऐसा है लैंड पेन है, कहने का मतलब ये कोई लेक है उसका एरिया, अब ये लेक है, अब यहां से इवापरेशन आपको मेजर करनी है कितना हो रहा है, तो हम इसके अगल बगल जो जमीन है उसके वहां पर ये पेन को हम इंस्टॉल करते हैं, फिट करते हैं जमीन के ऊपर, है ना, ध्यान रखिएगा किसके ऊपर, जमीन के ऊपर हम प्लेस कर रहे हैं, ओके जमीन के ऊपर। अब जो अगला दो पेन बताऊंगा उसमें से एक पेन बताऊंगा मैं कोलोराडो सनकन पेन, अब इसका जो नाम है ये अपने आप में ये चीज बता रही है, सनकन मतलब किसी चीज में डूबा हुआ, तो कोलोराडो सनकन पेन जो होता है उसमें हम क्या करते हैं, हम उसको जमीन के अंदर गाड़ देते हैं, क्या करते हैं जमीन के अंदर हम गाड़ देते हैं, तो सनकन पेन हो गया। सॉरी नेक्स्ट पेन जो बताऊंगा US जियोलॉजिकल सर्वे पेन, ये एक तरह का फ्लोटिंग पेन है, मतलब क्या है फ्लोटिंग करने का मतलब इसको हम लेक में ही फ्लोट करवा देते हैं, समझ में आ रहा है, तो मतलब बहुत तरह के एडवांसमेंट मॉडिफिकेशन किया गया ताकि और अधिक से अधिक एक्यूरेट इवापोरेशन का डेटा हम निकाल पाए, ठीक है। सो इन सब सबको हम देखते हैं, चलिए तो अब हेडिंग बना लीजिए कोलोराडो सनकन पेन, कोलोराडो सनकन पेन, तो जैसा कि इसका नाम कहता है सनकन मतलब ये किसी चीज में डूबा हुआ है, तो आप बिल्कुल ये मत समझिएगा कि इसको पानी में डुबाया जाता है, नो इसको जमीन में गाड़ दी जाती है, तो ये भी एक तरह का लैंड इवापोरेशन पैन ही है, लैंड इवापोरेशन पैन मतलब ऐसे पैन जिसको हम जमीन के ऊपर रख के ही इवापोरेशन को मेजर करते हैं, तो इसको जमीन में गाड़ा क्यों जाता है इसका एक रीजन मैं बताता हूं, ये मान लो आपका लेक है, दिस इज योर लेक और ये लेक के अगल बगल का ये जमीन, ठीक है, दिस इज योर ग्राउंड लेवल, तो ये मान लो लेक में आपका यहां पर है आपका वाटर सरफेस, दिस इज योर वाटर सरफेस इन लेक, तो ये जो सनकन पैन है इसको हम जमीन में इसलिए गाड़ देते हैं ताकि जो लेक के ऊपर जो हीट का इफेक्ट है या फिर विंड का जो इफेक्ट है, एरोडायनामिक इफेक्ट एंड रेडिएशन इफेक्ट जो लेक के पानी के ऊपर है, मतलब जस्ट लेक के पानी के सरफेस के ऊपर है, फ्री सरफेस पर है, वही सेम इफेक्ट यहां पर भी क्रिएट किया जा सके, इसलिए हम इसको जमीन में पेनिट्रेट कर देते हैं या फिर गाड़ देते हैं, है ना, तो इसको जमीन में गाड़ते हैं कैसे, ऐसे कुछ इस तरह से, ये एक पैन होती है, इस तरह से हम इसको जमीन में गाड़ देते हैं, तो इसी को कहा जाता है सनकन पैन, ठीक है, इसको जमीन में कुछ ऐसा गाड़ा जाता है कि जो ये जो हाइट है मतलब जमीन के जस्ट ऊपर कम से कम हम 100 mm छोड़ देते हैं, है ना, और बाकी पूरा पैन को हम नीचे जमीन में पेनिट्रेट कर देते हैं, दिस इज योर कोलोराडो सनकन पैन, और इससे होगा क्या कि जो लेक सरफेस के ऊपर जो एरोडायनामिक एंड रेडिएशन इफेक्ट है, सेम एरोडायनामिक एंड रेडिएशन इफेक्ट हम इस पैन पर भी क्रिएट कर पाए, समझ में आ रहा है, उसी चीज को सेम सिमिलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाए, इसलिए हम इसे गाड़ के रखते हैं जमीन के अंदर ताकि उस लेवल का वाटर जो है यहां पर भी रहे, जिस लेवल पे आपका विंड चल रहा है लेक में सेम लेवल पर हम इसको भी यहां पे मेंटेन करने का कोशिश करते हैं, कुछ समझ में आया, दिस इज योर कोलोराडो सनकन पैन, ओके, और ये बनी होती है सेम जिसके मदद से आपका क्लास ए पैन बना हुआ था, गैल्वेनाइज्ड आयरन सीट, ओके, तो लिखिए इट इज मेड अप ऑफ galvanized iron sheet and buried into the ground within
विद इन 100 mm फ्रॉम टॉप, विद इन 100 mm फ्रॉम टॉप, इसका मेन एडवांटेज क्या है? इट क्रिएट्स, लिखिए इसका जो मेन एडवांटेज है, लिखिए इट क्रिएट्स सिमिलर सिमिलर रेडिएशन एंड एरोडायनामिक इफेक्ट एज ऑफ लेक लेक सरफेस लेक फ्री सरफेस ये तो इसका मेन एडवांटेज है, लेकिन कोई चीज अगर खूबसूरत है उसकी कुछ बुराई भी होती है, उसमें कुछ नेगेटिविटी भी होता है, तो इसमें भी कुछ नेगेटिविटी है। अब वो नेगेटिविटी क्या है? मान लो ये जमीन के नीचे आपने इसको गाड़ दिया है, तो जमीन के नीचे गाड़ दिया है तो जमीन के अंदर ही कहीं पर लीकेज हो गया इसमें, तो लीकेज को आप पता लगा पाओगे क्या? हाँ, तो जल्दी ये लीकेज पता नहीं लगेगा, तो लीकेज को पता लगाना डिफिकल्ट होता है, तो ये एक डिसएडवांटेज इसका है ना। प्लस चूंकि ये जमीन के नीचे गाड़ दिया हम अच्छे से, तो इसलिए इसमें केयर आपको ज्यादा करना पड़ता है, ओके, ताकि सराउंडिंग एरिया का जो डस्ट वस्ट है वो जमीन के ये वो इस पैन के अंदर ना चला जाए। क्यों? अगर वो डस्ट वगैरह पैन के अंदर चला जाएगा, पानी का टर्बिडिटी बढ़ जाएगा, टर्बिडिटी बढ़ेगा तो ये ऑपरेशन आपका डिक्रीज हो जाएगा। क्यों? टेम्परेचर जो हीट ट्रांसफर है वो आपका डिक्रीज हो जाएगा, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर है ना, तो फिर आपका रिजल्ट एक्यूरेट नहीं मिलेगा, तो इसलिए आपको केयर करना पड़ेगा। प्लस ये एक्सपेंसिव भी होती है, इसका कॉस्ट भी ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये है वो कोलोराडो सनकन पैन, इसका भी पैन कोफिशियंट होता है, हम इसके सबका पैन कोफिशियंट बताएंगे, जितना हम पढ़ा रहे हैं सबके बारे में बताएंगे, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट जो पैन है वो थोड़ा अलग टाइप ऑफ पैन है। अब लोगों ने सोचा कि जमीन के अंदर भी गाड़ दिया, दिमाग लगा लिया, अब सोचा कि और ज्यादा थोड़ा एक्यूरेट हमको रिजल्ट आना है, इवापोरेशन और ज्यादा एक्यूरेट लेके आए, जो लेक्स इवापोरेशन हो रहा है उसको और उसके और करीब करीब पहुंचने का लोगों ने सोचा। तो उन्होंने क्या दिमाग लगाया कि ऐसा एक पैन बना दिया जो लेक में ही फ्लोट करता है, और जो लेक का वाटर सरफेस है जो लेवल पे है वही लेवल में आपका उस पैन में भी वाटर लेवल भी वही होगा। कहने का मतलब है, लिखिए, फोर्थ इट इज यूएस जियोलॉजिकल जियोलॉजिकल सर्वे पैन। इसका कॉन्सेप्ट बस यही है, ये एक तरह का फ्लोटिंग पैन, ये लेक में फ्लोट करता है, ये है ना। ये मान लो आपका लेक है, ये लेक का आपका वाटर सरफेस हो गया, तो हम इस पैन को लेक में ही फ्लोट करवा देते हैं, ओके, लेक में ही फ्लोट करवा देते हैं, और जो वाटर सरफेस आपका लेक में है उसी लेवल पे वाटर सरफेस आपका पैन में भी रहेगा और ये फ्लोट करता रहेगा। समझ में आ रहा है? लेक से इवापोरेशन हो रही है तो सेम टाइम पे इस पैन से भी उतना ही इवापोरेशन होगी। तो ऐसा दिमाग लोगों ने लगाया और ये यूएस जियोलॉजिकल सर्वे पैन या फिर फ्लोटिंग पैन बना दिया। ये पैन ज्यादा सुटेबल है फॉर लार्ज वाटर बॉडी, मतलब बहुत बड़े बड़े जो लेक होते हैं वहां से इवापोरेशन निकालने के लिए ये पैन ज्यादा सुटेबल है। लार्ज वाटर बॉडीज, ओके। लेकिन ये तो है कि ये फ्लोट कर रहा है तो ज्यादा सिमिलर कैरेक्टर, ज्यादा सिमिलर एनवायरनमेंट को दे रहा है जैसा आपका लेक में है, लेकिन इसका कुछ डिसएडवांटेज भी है। क्योंकि ये फ्लोट करते रहता है ना, तो इसका मेजरमेंट लेना ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है। आपको लेक में जाना होगा किसी को नाव लेके, फिर उसका मेजरमेंट लोगे तो मेजरमेंट लेना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, और इसका मेंटेनेंस और इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी ज्यादा होता है। समझ में आया? इसका मेंटेनेंस और
इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी ज्यादा होता है, ये तो इसका प्रमुख डिसएडवांटेज है। ओके, और ये जो एक फ्लोटिंग पैन है ये वाटर बॉडी में फ्रीली फ्लोट करते रहता है। क्लियर है? तो दिस इज योर यूएस जियोलॉजिकल सर्वे पैन। नाउ अब ये जो हमने पैन के बारे में पढ़ा, पैन के बारे में पढ़ लिया, तो अब हमको क्या करना है, हमको ये करना है कि ये पैन से जितने भी इवेपोरेशन हो रहे हैं उसका हमने मेजरमेंट लिया, जिसको हम इवेपोरीमीटर डेटा कहेंगे। तो इसका मेजरमेंट लेने के बाद हमको लेक से कितना इवेपोरेशन हो रहा है ये निकालना था, मेन ऑब्जेक्टिव मेरा ये था। तो इसको करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, यहाँ पे एक चीज, एक टर्म डिफाइन की गई है जिसको कहते हैं पैन कोफिशियंट, है ना। तो अब यहाँ पे हम पैन कोफिशियंट को इंट्रोड्यूस करते हैं कि पैन कोफिशियंट क्या होता है। तो लिखिए, एक नोट बनाइए, लिखिए, इन ऑर्डर टू कन्वर्ट पैन इवेपोरेशन वैल्यू इनटू लेक इवेपोरेशन वैल्यू, ए पैन कोफिशियंट इज यूज्ड। ओके, और इसको किस तरह से डिफाइन किया जाता है, लिखिए, लेक इवेपोरेशन LE, लेक इवेपोरेशन को मैं रिप्रेजेंट करता हूं बाय LE, विच इज इक्वल टू पैन कोफिशियंट, इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं बाय CP, इनटू पैन इवेपोरेशन। ठीक है, लेक इवेपोरेशन इक्वल टू पैन कोफिशियंट इनटू पैन इवेपोरेशन। सो तो इस इक्वेशन को देखने से ये पता चल रहा है कि लेक से कितना इवेपोरेशन हो रहा है, इसको अगर आपको निकालना है तो पैन कोफिशियंट से हमको पैन इवेपोरेशन का जो डेटा है जो आपने मेजर किया इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो निकल जाएगा। अब यहाँ पे एक लॉजिक है कि CP का जो वैल्यू है इज ऑलवेज लेस देन 1, है ना, CP कभी भी 1 के बराबर नहीं हो सकता। इसका रीजन क्यों है, देखो, एक एक्चुअली में जो एक लेक है इसमें पानी स्टोर्ड है, दूसरा आपने एक कटोरा बनाया है इसमें पानी स्टोर्ड है, ठीक है। तो एक तो लेक का मटेरियल अलग है, सॉइल है, और जो पैन हम बना रहे हैं इसका मटेरियल अलग है, तो हीट ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स में ये डिफर करेगा, समझ में आ रहा है। दूसरी बात, लेक का एक बहुत बड़ा वाटर बॉडी है ना, और पैन में एक छोटा सा वाटर बॉडी है, तो दोनों का हीट स्टोरिंग कैपेसिटी भी अलग अलग है, हीट स्टोरिंग कैपेसिटी अलग अलग है, प्लस मटेरियल अलग अलग है ना, इसलिए आपका हीट ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स डिफर करता है और हीट स्टोरिंग कैपेसिटी डिफर करता है, जिस कारण से पैन से जो इवेपोरेशन हो रहा है, ठीक है, इट इज ऑलवेज मोर देन, पैन से जो इवेपोरेशन हो रहा है इट इज ऑलवेज मोर देन लेक इवेपोरेशन। तो इसलिए पैन कोफिशियंट जो हम यूज करते हैं ये 1 से कम होता है, ताकि पैन का जो इवेपोरेशन का जो डेटा है उसको हम लेक का इवेपोरेशन का डेटा के बराबर ला पाए, समझ में आ रहा है। ओके, सो ये चीज एक पॉइंट और बना के लिख लीजिए कि पैन इवेपोरेशन इज ऑलवेज ग्रेटर देन लेक इवेपोरेशन। ओके, सो ये ऑब्जेक्टिव भी पूछा जा सकता है, क्यों, उसका रीजन ये है, मटेरियल डिफरेंस एंड हीट स्टोरिंग कैपेसिटी डिफरेंस। क्लियर है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है। अब चलिए हम इन पैन कोफिशियंट का जो वैल्यूज होता है इसको हम देखते हैं। मैं आपको यहाँ पे 2 डेटा दूंगा, एक दूंगा इसका रेंज क्या होता है और दूसरा दूंगा एवरेज वैल्यू, है ना। तो इसका रेंज होता है क्लास ए पैन का जो रेंज होता है इट इज फ्रॉम 0.6 to 0.8। अब देखिए ये जो रेंज है इससे भी क्वेश्चन आ सकता है, तो इसलिए मैं आपको लिखवा रहा हूं। क्या क्वेश्चन आ सकता है कि किसी भी पैन का मैक्सिमम पैन कोफिशियंट कितना होगा और मिनिमम कितना होगा, यही तो ये रेंज बता रहा है,
जैसे कि क्लास ए पेन का मैंने रेंज बताया 0.6 से 0.8, तो इसका मैक्सिमम कितना है 0.6 और मिनिमम पेन कोफिशिएंट का वैल्यू कितना है 0.8, ये आपको याद रखनी होगी। ठीक है, जैसे भी याद करिए, लिख के याद करिए, बार बार पढ़ के याद करिए, लेकिन ये डेटा आपको याद रखनी होगी। एग्जाम में अगर यहां से क्वेश्चन आ जाएगा तो आपको आंसर करना ही होगा। फिर इसका रेंज 0.75 to 0.86, छोटे छोटे इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं एसएससी वगैरह में अनसंट, है ना, 0.70 से 0.82। ओके, इससे ये लिस्ट वैल्यू हो गया और ये मैक्सिमम वैल्यू हो गया। नाउ एग्जामिनेशन के अंदर अगर क्वेश्चन में वैल्यू दिया हुआ है तो ठीक है, अगर नहीं दिया हुआ है तो हमको याद होना चाहिए ताकि हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। और वो कौन सा वैल्यू याद होना चाहिए, इसका जो एवरेज वैल्यू है ना वो याद होना चाहिए। 0.6 और 0.8 का एवरेज अगर लेंगे तो कितना आ जाएगा 0.7, ये वैल्यू आपको याद रखना है। फिर 0.8, फिर 0.78, फिर 0.8। अब इन एवरेज वैल्यू से भी आपको क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं कि कौन सा पेन का पेन कोफिशिएंट कितना है, उसको उस ऑर्डर में रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे ध्यान रखिए, सबसे ज्यादा किसका है, ISI पेन का और US जियोलॉजिकल सर्वे फ्लोटिंग पेन का, इन दोनों का बराबर है। सबसे कम किसका है, क्लास ए पेन का, है ना, और उसके बाद कोलोराडो पेन का। तो ये रेंज भी आपको याद रखनी है ताकि क्वेश्चन अगर ऐसे पूछ दिया कि इसको एक ऑर्डर में अरेंज करिए तो उसके लिए आपको पेन कोफिशिएंट का कॉन्सेप्ट यूज करना होगा। अभी अभी जो मैंने आपको फॉर्मूला एक्सप्लेन किया है पेन कोफिशिएंट का, चलिए इस फॉर्मूला को और एक बार यूज करते हैं। देखो ये फॉर्मूला को अगर गौर से देखेंगे तो पेन इवेपोरेशन इक्वल टू लेक इवेपोरेशन बाय सीपी, है ना, लेक इवेपोरेशन बाय सीपी, यही तो डेफिनेशन है पेन कोफिशिएंट का। तो अगर इस फॉर्मूला को देखें तो हमको ये पता चल रहा है कि पेन इवेपोरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पेन कोफिशियंट। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर पेन इवेपोरेशन ज्यादा तो पेन कोफिशियंट कम होगा, अगर पेन कोफिशियंट ज्यादा है तो पेन इवेपोरेशन कम होगा। समझ आ रहा है? सो ये जो पेन कोफिशियंट का मैंने आपको वैल्यू अभी अभी बताया, तो इन वैल्यूज को देख के हम ये बता सकते हैं कि कौन सा पेन से सबसे ज्यादा इवेपोरेशन होगा, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो कौन से पेन से सबसे ज्यादा इवेपोरेशन होगा, उस पेन से सबसे ज्यादा इवेपोरेशन होगा जिस पेन का पेन कोफिशिएंट का जो वैल्यू है सबसे कम होगा। तो कौन से पेन का पेन कोफिशिएंट का वैल्यू सबसे कम है, क्लास ए पेन का पेन कोफिशिएंट का वैल्यू सबसे कम है क्या, 0.7, तो इसलिए क्लास ए पेन से सबसे ज्यादा इवेपोरेशन हो रही होगी इन सभी पेन में से। समझ आ रहा है? उसके बाद कोलोराडो पेन से इवेपोरेशन सबसे ज्यादा हो रही होगी, फिर ISI पेन और US जियोलॉजिकल फ्लोटिंग पेन का, दोनों का सेम इवेपोरेशन हो रहा होगा। समझ में आया? इस तरह से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो ये भी एक छोटा सा लॉजिक था, तो लिख लीजिए आप एक नोट बना के कि इवेपोरेशन इन, मैं आपको बताऊंगा सब कुछ, बस आपको पढ़ना है, धैर्य रखना है, है ना, ऐसे ही पढ़ाई होती है कॉन्सेप्चुअली। आप किसी कोचिंग में जाएंगे, मेडिजीज में, उसमें, वो बस वहां पे प्रेजेंट रहते हैं। मेरे पास उतना रिसोर्स अभी है नहीं कि मैं आपको खड़े होकर किसी हॉल में दिल्ली जैसा शहर में पढ़ा पाऊं, सो यूट्यूब के माध्यम से आपको मैं पढ़ा रहा हूं, बात सेम है। ओके, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, हमारा हाइड्रोलॉजी का पेड सब्जेक्ट है, यू कैन एनरोल इनटू आवर टॉपिक दिस सब्जेक्ट। एनरोलमेंट फी फॉर फर्स्ट 50 एनरोलमेंट इज ₹499, इसके बाद ये हो जाएगा ₹699। तो अभी तक करीबन 15 एनरोलमेंट हो चुके हैं, सब्जेक्ट को मैंने कुछ ही दिन पहले स्टार्ट किया था, तो अभी भी अप्रोक्सीमेटली 35 एनरोलमेंट्स बाकी है, तो यू आर वेलकम टू एनरोल इनटू द पेपर। और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन हो जाइए, हमारा एंड्रॉइड ऐप भी डाउनलोड कर लीजिए फ्रॉम प्ले स्टोर बाय नेम कॉन्सेप्ट डिकोडर। तो क्या लिखवा रहे थे हम, इवेपोरेशन इन क्लास ए पेन विल बी मोर, ठीक है। तो ये हो गया आपका पेन कोफिशिएंट और पेन का कॉन्सेप्ट क्लियर, इवेपोरेटर का कॉन्सेप्ट हो गया खत्म।
तो इस तरह से हम इवेपोरेटर को यूज करते हैं और पैन इवेपोरेशन से लेक इवेपोरेशन निकाल लेते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे वहां पे और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। इस पर क्वेश्चन मैं सॉल्व करवाऊंगा लास्ट में, जब पूरा मेजरमेंट का जो टॉपिक है मैं एक्सप्लेन कर दूंगा उसके बाद। अब हम पढ़ेंगे इवेपोरेशन स्टेशन या फिर इवेपोरेटर का डेंसिटी कितना होना चाहिए, और ये डेंसिटी रिकमेंड किया है किसने, WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने रिकमेंडेशन दिया है फॉर इवेपोरेटर पोरीमीटर डेंसिटी। इससे क्वेश्चन रेयरली आता है, ठीक है, लेकिन रेनगॉज डेंसिटी से क्वेश्चन आता है, लेकिन इससे भी आ सकता है, आया है, ऐसा नहीं है कि नहीं आया है, आता है किसी किसी एग्जाम में। एरिड जोन मतलब ज्यादा सूखा हुआ इलाका जो है उसको एरिड जोन कहेंगे, एरिड जोन। यहां पे आपको चाहिए वन स्टेशन एवरी 30,000 किलोमीटर स्क्वायर, ह्यूमिड टेम्परेट जोन इसमें चाहिए वन स्टेशन एवरी 50,000 किलोमीटर स्क्वायर, पांच लाख हो गया ना, ठीक है, एवरी 50,000 किलोमीटर स्क्वायर। तीसरा, ठंडे इलाके में, वहां तो इवेपोरेशन उतना होगा नहीं तो वहां पे थोड़ा बहुत ज्यादा एरिया बढ़ जाएगा। कोल्ड रीजन वन स्टेशन एवरी 1,00,000 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है, तो कम से कम इतना ध्यान रखिएगा तो यहां से क्वेश्चन आ सकता है। ओके, नहीं भी कम से कम तो ये जो डेटा है इसका लॉजिक याद रखिएगा और क्वेश्चन में उस तरह से ऑप्शन मैच कर लीजिएगा। ऑप्शन ये मैच करिएगा, अगर कंपैरिजन पूछ दिया कि किस जोन में कितना इवेपोरेटर स्टेशन चाहिए उसको अरेंज करिए, तो जो इलाका ज्यादा सूखा है वहां पे कम एरिया में ज्यादा स्टेशन चाहिए होगा, है ना, तो यही चीज है। तो इस लॉजिक को यूज करके क्वेश्चन अगर आ गया और ये डेटा से मैच नहीं कर रहा है क्वेश्चन, होता है कभी कभी, तो इस लॉजिक को यूज करके आंसर करिएगा। एक क्वेश्चन और आया था कभी एसएससी में, ये पूछा था कि ये बताइए कि इंडिया में कितना इवेपोरेटर स्टेशन को मेंटेन कर रहा, कौन कर रहा है। तो इंडिया में जो इवेपोरेटर स्टेशन को मेंटेन करता है वो डिपार्टमेंट का नाम है IMD, जिसका हेड ब्रांच है दिल्ली के अंदर, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ओके, और टोटल ये लगभग 220 इवेपोरेटर स्टेशन को मेंटेन कर रहा है ना। देखिए ये हाल फिलहाल का डेटा है, एट प्रेजेंट इंडिया हैज अबाउट में कह रहा हूं, है ना, 220 पैन इवेपोरेटर स्टेशन मेंटेन्ड बाय IMD, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ओके, सो विद दिस आई एम एंडिंग दिस वीडियो हियर ओनली। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करिए, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, वहां पर हम आपके डाउट्स क्लियर करते हैं और किसी भी तरह का क्वेश्चन आपको हमसे पूछना हो तो आप वहां पे आके पूछ सकते हैं। ग्रुप में बहुत सारे लड़के हैं एग्जामिनेशन क्लियर करने वाले, जो कर चुके हैं SSC जैसे एग्जामिनेशन को क्लियर, GATE जैसे एग्जामिनेशन को क्लियर, वो सारे स्टूडेंट्स अवेलेबल हैं अपने चैनल के और हम भी ग्रुप में प्रेजेंट हैं। आपका किसी भी तरह का क्वेश्चन होता है, डाउट होता है, तो हम लोग वहां पे
आपको असिस्ट करते हैं, सॉल्व करते हैं. ओके, फर्दर यू कैन एनरोल आवर पेड सब्जेक्ट नॉट ओनली हाइड्रोलॉजी, यू कैन एनरोल इन टू आवर फुल कोर्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग. ओके, एंड अभी एक ऑफर चल रही है एनरोलमेंट की, यहाँ पे डिस्प्ले में आ रहा होगा आपको, ये एट द रेट रुपीज 2999 ओनली यू कैन एनरोल इन टू आवर सिविल इंजीनियरिंग पैकेज विच इज वेरी मच सुटेबल फॉर एस एस सी गेट एंड ई एस सी लाइक एग्जामिनेशन कॉन्सेप्चुअली इन डिटेल. ओके, सो गुड लक, हैव ए नाइस डे, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, एंड इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस नेक्स्ट मेथड ऑफ इवापोरेशन मेजरमेंट, एंड दैट इज द इम्पेरिकल मेथड टू मेजर द इवापोरेशन. ओके, जिसमें हम दो फॉर्मूला बताएंगे, एक बताऊंगा आपको मेयर्स फॉर्मूला, दूसरा बताऊंगा रोवर्स फॉर्मूला. अब मेयर्स और रोवर्स फॉर्मूला में से मेयर्स फॉर्मूला ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू रोवर्स फॉर्मूला. तो ये नेक्स्ट वीडियो में होगी, इसके लिए इंतजार करिए. गुड लक, हैव ए नाइस डे.